खरगोन का पीजी कॉलेज आजकल पढ़ाई नहीं बल्कि हंगामे के रूप में पहचाना जाने लगा है। खरगोन में कॉलेज में हंगामे के साथ प्रोफेसर की भूमिका पर सवालिया निशान लग गए हैं। एक दिन पहले हुए हंगामे के एवज में आज दूसरे दिन छात्राओं से गलत व्यवहार कर दिया। नाराज हुई छात्राओं ने प्रिंसिपल के कक्ष के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर शिकायती पत्र सौंपा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। छोटे भाई बहनों द्वारा हिंदी की कक्षाएं जो सुचारू रूप से नहीं चल रही थी उसकी शिकायत व धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके पश्चात प्रोफेसर ललिता बर्गे हमारे राजनीतिक विभाग में आकर हमें डराया धमकाया तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही यह भी बोला गया कि सीसी में वो परीक्षा में कम नंबर देंगे। प्रोफेसर बर्गे द्वारा हमें सबके सामने अपमानित किया गया। साथ ही हमें यह भी कहा गया कि आप शिकायत करने वाले कौन होते हो। हमें कम से कम 3 बार कॉलेज में रोका गया। साथ ही गेट पे यह कहा गया कि हमारे द्वारा IAS IPS अधिकारी निकले हुए इस कॉलेज से, इसीलिए आप पहले किसी पद पे बैठे उसके बाद आके शिकायत दर्ज करें। अतः श्रीमान नहीं, क्लास तो क्या अभी हमारे यहाँ पास रूम भी इलेक्शन की वजह से नहीं है, कम है, फैकल्टी भी कम है। एट ए टाइम हमको यदि 8 लोग चाहिए और हमारे पास 4 ही लोग हैं तो 4 क्लास के बच्चे खाली जाएंगे ही जाएंगे। दूसरे अभी आज का जो स्थायी इंस्टांस है वो कुछ टीचर के से संबंधित है और उसके लिए अब मैं वो जो उनकी मेरे को शिकायत मिली है उसे वो अनुशासन समिति को दूंगी। उसमें जो भी जाँच होगी फिर वो निर्णय निकल कर आएगा। शैल जोशी सर, जब हम क्लास में कल आए तो हमने देखा कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे थे वो यहाँ वहाँ टहल रहे थे। हमने सबसे बातें करी, उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि टीचर जो थे वो अनियमित रूप से आ रहे थे, कोई उनके आने का एक समय नहीं था निश्चित, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। उसके पश्चात जब हम हमारे राजनीतिक विभाग में किसी विभागीय काम से गए तब प्रोफेसर ललिता बर्गे मैडम द्वारा हमें धमकाया, डराया, साथ ही अभद्रतापूर्वक व्यवहार भी किया गया। उनका यह कहना था कि आप लोग कौन होते हो बोलने वाले, 2 महीने से क्लासेस लगातार लग रही हैं और आपने यह करके हमारे सम्मान को ठेस पहुँचाई है। साथ ही जब हम लोग बाहर निकले तब हमने गेट पर रोके, उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा बड़े बड़े IAS IPS निकले हुए हैं, पहले आप किसी पद पर जाके बैठिए उसके बाद शिकायत कीजिए। तो हमारा उनसे यही सवाल है कि आप पहले क्लास में रेगुलर आइए तो सर IPS IAS तो हम बन भी जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले की झिरन्या तहसील